दुर्गा पूजा का नाम आते ही सबसे पहले दिलो दिमाग में बंगाल का ख्याल आता है। वैसे तो दुर्गा पूजा भारत के हर शहर हर जिले में खूब उत्साह से मनाई जाती है, लेकिन बंगाल की दुर्गा पूजा की बात ही कुछ और है। जी हाँ, दशहरा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा त्यौहार तो एक अलग ही खास अपनी पहचान रखते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा बनती कैसे है, इसके लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास बीकानेर में ही हुआ। बीकानेर के प्रसिद्ध बंगाली मंदिर में वेस्ट बंगाल से एक या दो महीने पहले कुछ विशेष कारीगर आर्टिसंस जो आ जाते हैं और वह माँ दुर्गा की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटा कर लाते हैं, जैसे पुआल, घास फूस और माँ दुर्गा के लिए कलकत्ता से लाई गई मिट्टी। यह कई चरणों में पूरी की जाती है। इस बार हमारा प्रयास था कि हम इसको क्रमबद्ध तरीके से चरण माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए सबसे पहले बांस के ढांचे बनाए जाते हैं। बांस के ढांचों से एक आकृति तैयार की जाती है और फिर सूखी घास और पुआल की मदद से इसे आकार दिया जाता है। इसके बाद ढांचे पर गीली मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, जिससे प्रतिमा को ठोस आकार मिलता है। चेहरे को अलग से सांचे में ढाला जाता है, जो सांचा पहले से ही बना हुआ होता है, और बाद में प्रतिमा के साथ जोड़ दिया जाता है। मिट्टी की परत सूख जाने के बाद प्रतिमा को रंगने का काम शुरू किया जाता है। पहले मूर्ति के बड़े हिस्से रंगे जाते, बाद में फूल, पत्तियां और वस्त्र इत्यादि लगाए जाते हैं। आखिर में माँ की आंखें बनाई जाती हैं। मान्यता के अनुसार मूर्तिकार रात में आंखें तैयार करते हैं। प्रतिमा तैयार हो जाने के बाद प्रतिमा पर गहने, झालर और अस्त्रों से उन्हें सजाया जाता है। इसके बाद विधि विधान से माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बंगाल की दुर्गा पूजा बंगालियों का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है। पूरे साल में सभी लोग इसी का इंतजार करते हैं। दुर्गा पूजा के ये 9 दिन उनके लिए बहुत ही खास होते हैं। आपके बारे में बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से आए हैं, कलकत्ता हावड़ा डुमजुड़ा। अच्छा जी, कितने सालों से आ रहे हैं सब? यहाँ से आता है 3 साल हो गया। हेल्प तो यहाँ पे सिर्फ काम के जगह की हेल्प की कमजोरी है। अच्छा जी, और कोई नहीं, यहाँ सब कुछ ही मिलता है। अच्छा, और मिट्टी वगैरह सब तो कलकत्ता से ले आता है मैं। अच्छा, और वाह, और साँच वो जो अलंकार है उसका अस्त्र शस्त्र भी सब कलकत्ता से ही। सेकेंड जो कलाकार हैं ये बाबू हैं, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ सर, बताएं आपके बारे में बताएं। बाबू भाई, सुमित सरदार है। हाँ, आपका नाम सुमित सरदार? हाँ जी, कलकत्ते से आया हूँ। अच्छा जी, मेरे पापा है, पापा के साथ आया हूँ, मम्मी पापा और एक कारीगर आया है। हाँ, और हम 3 महीने के लिए आते हैं। अच्छा, हम जुलाई में आते हैं और सितंबर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कितनी मूर्तियाँ बनाते हैं आप प्रतिवर्ष? हम वो तो 50 मूर्ति तो बना लेते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। और गणेश जी के उत्सव से शुरू होता है, नवरात्रि तक काम करता है। अच्छा, अभी केवल मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं या और भी मूर्तियाँ बनाने में सक्षम है? हम मिट्टी, पत्थर और लकड़ी वगैरह हर चीज़ की बनाते हैं, जैसे कि कोई मेटल, तांबे या पीतल की हो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दशहरा यानी विजयादशमी, इसे हम कैसे भूल सकते हैं? वैसे तो अपने आप में ये दिन बहुत ही खास है। बंगाल की पूजा की बात ही कुछ और है। अगर किसी को इस त्यौहार का लुत्फ उठाना है तो बंगाल में कोलकाता जाकर इस त्यौहार के मज़े ले सकते हैं। इन दिनों महानगरी कोलकाता दुल्हन की तरह सजता है और देश विदेश से लोग पूजा के समय कोलकाता ज़रूर आते हैं। 1-2 महीने पहले से ही कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। कई खास तरीकों से पूजा के पंडाल बनाए जाते हैं। प्रथमा के दिन माँ को रंग चढ़ता है और ऐसे ही हर दिन खास होता है। ये सिलसिला नवमी तक जारी रहता है, लेकिन नवरात्रि शुरू होने से 1 हफ्ते पहले
माँ दुर्गा की प्रतिमा तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी आंखें बन्नी रह जाती हैं। महालय के दिन देवी की आंखें तैयार की जाती हैं, इसे चोखू दान भी कहते हैं, आंखें दान। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी स्वयं धरती पर आ जाती हैं। दरअसल दुर्गा पूजा या दुर्गा उत्सव मूल रूप से पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। यह त्यौहार पूरे भारत में सम्मान, उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर माँ दुर्गा की विशाल मूर्तियों के साथ दुर्गा पूजा के पंडाल भी सजाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं का निर्माण उत्तरी कोलकाता के कुमारटली इलाकों में किया जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और पूजा में प्रयोग होने वाली अनन्य मूर्तियों का निर्माण करने के समय ये इलाका अपने कारीगरों के लिए भारत में अत्यंत मशहूर है। देश विदेश के सभी फोटोग्राफर्स और सभी मूर्तिकला विशेषज्ञ यह चीज़ देखने जरूर कुमारटली आते हैं और यह दृश्य देखते ही बनता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय या आनंद का शहर कहा जाता है। असल मायने में ये शहर त्योहारों का आनंद का शहर है। दुर्गा पूजा के दौरान हर कोई जात पात भूलकर उम्र की सीमा को पार कर बस पंडालों में इस पूजा का लुत्फ उठाते ही नजर आते हैं। इन दिनों बड़े बूढ़े, युवा महिलाएं, हर कोई पंडालों की सैर करता हुआ नजर आता है। सारे कामकाज भूलकर ये सब लोग माँ दुर्गा की आराधना में जुट जाते हैं। असल बंगाल में पूजा का महत्व केवल पूजा, आराधना या माँ को याद करना ही नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए दुख, दर्द और गम भुलाकर मस्ती करने का ये वक्त है। इस त्यौहार में परिवार के सभी लोग एक साथ माँ का अपायन करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, घर में ही उनकी स्थापना भी करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा और भक्ति में नवरात्रि के 10वें दिन यानी 10वीं के दिन शादीशुदा महिलाएं सबसे पहले माँ दुर्गा को सिंदूर लगाती हैं। इसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, इसे ही सिंदूर खेला कहते हैं। दशमी पर सिंदूर लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। खास तौर से बंगाली समाज में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा साल में एक बार अपने मायके आती है और वह अपने मायके से 5 दिन रुकती है, जिसको दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा मायके से विदा होकर जब ससुराल जाती हैं तो सिंदूर से उनकी मांग भरी जाती है। सिंदूर के साथ ही माँ को पान और मिठाई भी खिलाई जाती है। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ही बड़ा महत्व है। सिंदूर को महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है।